प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। आप सुप्रे के सभी अगुवे और हम सभी की तरफ से आप सभी को रविवार की शुभकामनाएं। प्रभु इस दिन को आपके लिए आशीषित करें और हम आप सबका आज की ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में फिर से हम स्वागत करते हैं। प्रभु ने एक और दिन हमें दिया है उसके साथ जुड़ने का, उसकी महिमा करने का, आराधना करने का। इस अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सेवा की शुरुआत करते हैं। अपने सिरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। थैंक यू डैडी, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, जो आदि है, जो अंत है, जो अल्फा है, ओमेगा है, जो जीवन देने वाला परमेश्वर खुदावन प्रभु है। यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से एक और दिन आपने हमें आप में आनंद करने के लिए, आप में खुश रहने के लिए, आपकी शांति में मगन रहकर इस संसार के अंधियारे में आगे बढ़ने के लिए, आपके नाम का उजाला फैलाने के लिए, इस वातावरण में आपकी स्तुति की गूंजों को प्रभु फैलाने के लिए एक और समय आपने हमें दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आभारी हैं परमेश्वर की, जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ है, घटा है प्रभु, प्रभु आपकी योजना में सब कुछ भलाई के लिए उत्तम ठहरा है प्रभु। हम हाथ उठाकर आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे घरों में हमारे साथ है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम आभारी है प्रभु, इस समय में आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए आपने हमें आवाज दी है प्रभु, हमें मुंह दिए है प्रभु, हमें हाथ पैर दिए कि प्रभु हम ताली बजाए, गाए, नाचे, कूदे और आपके नाम को बड़ाई करे परमेश्वर। ओ यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर। हम आज की इस सर्विस को आपके क्षणों में लाते हैं परमेश्वर, सभी जनों के लिए जो ऑनलाइन जुड़े हैं और हमारी कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए, अगुओं के लिए, सभी के लिए, लीड करने वाले हर एक तेरे दास दासियों के लिए प्रभु, हम सब मिलकर क्षमा मांगते हैं हमारे गुनाहों के लिए। पिछले समय में कहीं भी हमारे जीवनों से, हमारी बोली से, हमारे उठने बैठने में कहीं भी पवित्र आत्मा आप खेदित हुए हो, दुखित हुए हो प्रभु, हम क्षमा चाहते पिता, हमें माफ कीजिए प्रभु। यीशु के नाम में, यीशु के लहू से धो दीजिए, शुद्ध करे, पवित्र करे प्रभु जी। हम दुआ करते परमेश्वर आपका अनुग्रह हो परमेश्वर, ताकि हम प्रभु आपकी आराधना करने के योग्य प्रभु वातावरण में, प्रभु आपकी महिमा में, प्रभु आपकी उपस्थिति में आ सके परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति का आनंददायक उपस्थिति का अनुभव करते हुए आपकी महिमा कर सके पिता। आप हम सभी को और पूरे एटमॉस्फेयर को प्रभु, सारी टेक्निकल चीजों को प्रभु यीशु के लहू में कवर करते प्रभु, आप आशीषित करें प्रभु इस समय को। शैतान की युक्तियों को यीशु के नाम में तोड़ते हैं। इस वर्षिप सर्विस के खिलाफ जो भी योजना है, षड्यंत्र हो, यीशु के नाम में हम उसको निष्फल करते हैं। आपकी ही महिमा हो प्रभु, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु आत्मा से सच्चाई से हम जुड़ सके, हम पर यह अनुग्रह करे प्रभु। यीशु के लहू में हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे विचारों को, हमारे मनों को प्रभु आपके लहू में हम कवर करते हैं। यीशु के नाम में जो भी निकले प्रभु, आत्मा से सच्चाई से हमारे जीवनों से बाहर आए प्रभु, और वो ग्रहण योग्य बलिदान अर्पण ठहरे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु के नाम को उठाते हुए उसको महिमा देते हुए मिलकर गाएंगे, धन्य हो वे नाम प्रभु का, वो स्तुति आराधना प्रशंसा के योग्य है। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए उसको महिमा दें।
हालेलुया, वही आराधना के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है, वही सारे आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया, आइए हम उसको महिमा देते हुए गाएंगे, आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय, हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में, हर तकलीफ में, हमारे खुशी में, हमारे दुख में, तंगी में, बीमारी में, मुसीबतों में, हम प्रभु को महिमा दें। हालेलुया, आइए हम मिलकर उसकी आराधना करें, सच्चे तन मन धन से उसकी आराधना करें। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, जो हमारे साथ दिन रात हमारे साथ रहते, हमारी अगुवाई करते, हमारी मदद करते, हमारे साथी बन जाते, उसको हमारी आराधना मिले। तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना।
प्रभु, हर परिस्थिति में जो हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है और हमें उठाता है, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। आइए प्रियो, अपने हाथों को उठाकर कहिए कि जो मेरे रात के समय में, दुख के समय में, गम के समय में, बीमारी के समय में, तंगी चिंताएं जैसे पहाड़ टूट पड़े हो, वैसे दुख आए हो, आंधी और तूफान के समय में प्रभु ते मेरे साथ रहा है। तेरी आराधना हो और तेरी स्तुति हो, मेरे खुशियों में तू मेरे साथ रहा, तेरी स्तुति हो, मेरे अच्छे दिनों में भी तू साथ था, तेरी स्तुति करते हैं। यहाँ जब हम गाना गा रहे बादल के खंभे, क्या समझते हम हमारे परमेश्वर खुदावंत को, क्या वो सिर्फ नाम लेकर बुलाना ही जानता है? ना प्यारो, वो बुलाता है, चलाता है और हर एक रास्तों पर आकर खड़ा भी रह जाता है। जहां हमारे लिए खतरे होते हैं, वो बादल का खंभा वहां पर अग्नि का खंभा भी बन सकता है। वो खुदा है जो बादल का स्वरूप भी लेता है और आग का स्वरूप भी समय आने पर ले सकता है। क्या समझते हम हमारे खुदा को, किसकी आराधना हम कर रहे प्यारो? बाला शाखा राबा सांदरा, यहां पर लिखा है निर्गमन 14 में, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया। परमेश्वर मोर्चा संभालता है। आपके जीवन के समयों में परमेश्वर मोर्चा संभालता है। लिखा है जो आगे आगे चला करता था वो जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर पीछे जा ठहरा। लिखा है इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इसराइलियों की सेना के बीच में आ गया। ओ हालेलुया, कितना महान खुदा है जो सेना को आपके पास आने नहीं देता है, शैतान की युक्तियों को आप पर सफल होने नहीं देता है। आपकी भलाइयों के की वजह से नहीं, उसकी भलाइयों की वजह से हम जी रहे हैं। धन्यवाद दे, हाथ उठाकर सिरों को झुकाकर कहे, हे बादल के खंभे, आग के खंभे, तेरा धन्यवाद। तू हर दम हमें छांव में ले चलता है और हर दम हमें अंधियारे में नहीं रखता है। तू हमें, तेरा स्वभाव है कि हमें प्रकाश मिलता रहे, इसलिए तू आग भी बन जाता है। ओ रिबा साखा लालाबा, हालेलुया, वही खुदा हमारे डर को भी दूर करता है। प्यारो, कौन से भय ने आपको बांध कर रखा है? क्या रास्ता नहीं दिख रहा इसलिए डर रहे हो आप? आपके जीवन में राह नहीं दिख रही इसलिए डर तो नहीं गए हो ना आप कहीं?
आपके जीवन की कठिनाइयां देखकर कहीं आप डर तो नहीं गए हो? पवित्र आत्मा आपको कह रहा है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर के कामों को देखो, वो क्या कर सकता है। वो सेना को आपके पास आने नहीं देगा। सेना को न देखो, आप देखो कि कौन आपके साथ चला करता है और कौन आड़ बनकर आपकी सुरक्षा करना समझता है। दुनिया में जैसी भी परिस्थितियां आकर ले ले, आपकी सुरक्षा होकर रहेगी, क्योंकि आप उसके लहू से खरीदे हुए लोग हो। इसराइली सेना को प्रभु ने अपनी प्रजा बनाया, पर आपको यीशु ने अपना खून बहाकर अपना एक परिवार का, अपने घराने का बना लिया है। वी आर द मोस्ट प्रिविलेज्ड पीपल इन द वर्ल्ड By God's side, परमेश्वर के पक्ष में आप और मैं सबसे ज्यादा सौभाग्य लोग हैं। अपना महत्व समझे और अपने परमेश्वर का भी महत्व समझे। कोई भय, कोई चिंता, कोई कठिनाई, कोई दुख आपको निराश न करे, सचेत रहे। आपका प्रभु आपके आगे आगे चला करता है और आपके पीछे भी जाकर खड़ा रह सकता है। वो सुरक्षा करेगा, वो आग का खंभा बनेगा और पूरी रात तक उस सेना को आपके पास निकट आने नहीं देगा। अपने परमेश्वर को जाने और उसको महिमा दे प्यारो, खोखली महिमा ना दे, परमेश्वर को जाने और महिमा दे। वो जीवित परमेश्वर है, उसको महिमा दे। आइए हम मिलकर गाएंगे, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन के जल तुझे आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन के जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन के जल तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना तुझी, आराधना आराधना, आराधना आराधना तुझी, आराधना आराधना, आराधना आराधना हालेलुया, क्योंकि वो ही महिमा के योग्य है, वो ही स्तुति के योग्य है, वो ही आदर के योग्य है, हालेलुया, और कोई नहीं, हालेलुया। सच में वो भला परमेश्वर है और उसकी भलाइयां अपार है, हालेलुया। हम उसको उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करें, धन्यवाद करते हुए कहेंगे, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। आज एक मिनट लेकर अपने जीवन के बारे में सोचिए, जब आप प्रभु को नहीं जानते थे। मैं खुद भी जब प्रभु को नहीं जानती थी तब मेरा जीवन बहुत अलग था, लेकिन जब से मैं प्रभु को जानने लगी, जब से प्रभु ने मुझ पर अपने आप को प्रकट किया, मेरा सब कुछ बदल गया।
आज मैं कह सकती हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ वो प्रभु के कारण से हूँ। एक समय था जब मुझे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ भी बोलने में मुझे हमेशा झिझक होती थी, अपने आप को एकदम अलग करके मैं रखती थी, लेकिन प्रभु ने मेरी सारी कमियों को मुझसे दूर किया। प्रभु ने मुझ में कॉन्फिडेंस जगाया, उसने मुझे बोलना सिखाया, उसने मेरे पूरे व्यक्तित्व को बदला। सच में आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ प्रभु ने मुझे बनाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। प्रभु मुझसे प्यार करता है और मैं भी प्रभु से प्यार करती हूँ। आज आप भी कह सकते अपना दिल खोलकर कि प्रभु तूने मुझसे पहला प्यार किया, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ। Thank you.
करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया है। तूने तो आठवीं आयत कहती है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। हालेलुया, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु तूने मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। हालेलुया, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। यहोवा ने मेरे लिए जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा गढ़ है। हालेलुया, फिर हमें किस बात की डर है? यहोवा मेरी ओर है और मैं ना डरूंगा, और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? परमेश्वर का एक एक वचन हमेशा हमें कहता है कि हमारी भलाई सिर्फ प्रभु से जुड़ी हुई है, मनुष्य से जुड़ी हुई नहीं है। हालेलुया, इसलिए भजनकार यहाँ पर 118 की 8वीं आयत में कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया, आज अपने हाथों को उठाकर कहिए कि मैं सिर्फ प्रभु पर भरोसा करूंगा, मैं सिर्फ यीशु पर भरोसा करूंगा, सिर्फ उसकी शरण रहूंगा। हालेलुया, क्योंकि वो मेरे लिए भलाई देने वाला है, वही मेरे लिए उत्तम है। हालेलुया, आइए आज प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तूने मेरे जीवनों को सच में आशीषों से भरा है। एक समय था जब हर तरफ उदासी थी, मेरे आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, मेरा आंखें शांति को ढूंढती थी, मेरी आंखें खुशियां ढूंढती थी, लेकिन कुछ दिखता नहीं था। टूटा मेरा जीवन था, नहीं कोई साथी था, लेकिन यीशु तू मेरे जीवन में आया, खुशियां लेकर आया, मेरे जीवन को तेरी आशीष से भर दिया। आइए हम हाथों को उठाकर इन लाइनों को गाएंगे। खुशियाँ
बिन जी ना सकूं। प्रभु तेरे करे तेरी अगुवाई में हर दम चलना चाहता हूँ। ओ यस लॉर्ड रबा शिखर अंदाला रा
सिर्फ आपका है प्रभु, और हम आप ही को देते हैं यीशु मसीह के नाम में।